आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन सीएनजी की, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के अंदर शोकेस किया गया था। और इसके लॉन्च के बारे में हमारे सोर्सेज का कहना है कि ये कार टाटा कर्व के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के लॉन्च होने के बाद इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है। और जब नेक्सॉन सीएनजी के कॉन्सेप्ट मॉडल को शोकेस किया गया था, तब इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मौजूद था। लेकिन हमारे सोर्सेज का कहना है कि टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी देने वाले हैं। लुक्स और फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन सीएनजी के अंदर भी हमें वही लुक्स और फीचर्स मिलेंगे जो एक स्टैंडर्ड नेक्सॉन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें इसके सस्पेंशन में सीएनजी रिलेटेड मैकेनिकल अपग्रेड्स और आईसीएनजी नाम की बैजिंग इसके ऊपर देखने को मिल सकती है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसकी वजह से ये कार इंडिया की सबसे पहली ऐसी सीएनजी कार होगी जिसके अंदर टर्बोचार्ज इंजन होगा। और टाटा नेक्सॉन सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन आने के बाद ये कार टाटा की तीसरी ऐसी कार होगी जिसके अंदर सीएनजी टैग के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मौजूद होगा, क्योंकि इससे पहले टाटा ने यही सेम चीजें अपनी टिगोर और टियागो में भी दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।